दगड़ियों सब कुछ मिलावटी आने लग गया आजकल पहाड़ों में भी। अभी इसको पूरे धो के दिखाती हूँ, उसके बाद चावलों को मैं फर्क देखना आप लोग। तो देखो दगड़ो चावल अभी कब से मैं नहीं आ रही थी ब्लॉग, मैंने दौड़ दौड़ के आ रही है। तो सुबह से आज का ब्लॉग अच्छा भी नहीं बना, क्योंकि देख उसको और जिम्मी ने भी नाव नाव कर रखा है हमारे जिम्मू ने। ले उसको ठंडा हो गया, जाड़ को गए हैं आप कपड़े पहने दे। सबसे पहले आपको मेरा प्यार मेरा पहला, मैं भानुतल फिर से आगे नए ब्लॉग के साथ, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भानुतल ब्लॉग्स पर। ब्लॉग शुरू आप 11:30 बजे से, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और तो सुबह से टाइम वाइम नहीं हुआ क्योंकि आज संडे है, तो संडे का दिन आप लोगों को पता चला घर का कितना काम होता है, तो सब काम कर लिया मैंने, सुबह का नाश्ता हुआ, बच्चे लोगों को नहला लिया है और आधा काम भी हो चुका है, बस अब जितना एक लंच बनाना है और मैंने नहाना है, और सारे बच्चों ने भी नहा लिया, कपड़े भी धो लिए, आधे धो रखे आधे नहीं धो रखे हैं। तो मौसम की बात करते हो, आज का मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को मैं कैसा हो रखा है हमारे गांव का मौसम। तो ये है आज का मौसम हमारे गांव का, बादल भी लगे और हवा भी चल रही है, आज धूप अच्छी सी नहीं आई है, सुबह तो और ही ज़्यादा हवा चल रही थी, तो अभी थोड़ा हवा भी बंद है और धूप नहीं आई है, पर उतना ठंडा नहीं हो रहा क्योंकि अब थोड़ा जाड़े के दिन कम हो गए हैं। तो ये कपड़े धो रखे हैं मैंने और धो रही हैं, और डुग्गू लोगों ने भी नहा लिया और हमारी जिम्मी ने भी, और हमने बकरियाँ बाहर बांध रखी है। लाइले तू मत कर, और डुगू ने भी नाव नाव कर लिया, जिमी ने भी उसको देख कर गंदा बना दिया, छिची देख उसको, और जिमी ने भी नाव नाव कर रखा है हमारे जिम्मू ने। ले तू इसको ठंडा हो गया, जाड़ को गए हैं तो आप कपड़े पहने दे, और जिम्मी को भी ठंडा हो गया, धूप अच्छी सी नहीं आई है, इसको जाड़ा होने लगे, कांपते लग गए है, फिर देख धूप से फिर बाद रखा नहीं तो मिट्टी में गंदा हो जाता है। तो करते हैं घर का काम दगड़ियों, फिर मिलते हैं आप लोगों से। करते हैं दगड़ियों घर का काम, बहुत सारा काम भी करना है, तो आप लोगों से मिलते भी थोड़ी देर में नहा धो के, तो आप मेरे साथ बने रहना। और आज लाइट भी दी है, तो मेरे फोन में चार्ज भी नहीं है, कब तक बनता देखते ब्लॉग। आजकल लाइट सुबह चले जा रही है तो सीधे शाम को आ रही है, 4:30-5:30 बजे तक, देखते कितना बनता है ब्लॉग आज का, 15% है, तो आप मेरे साथ बने रहना। हेलो दगड़ियों, तो मेरा काम पूरा हो गया है, अभी दिन का बस एक मैंने नहाना है, खाना बनाना है, तो 12:30 हो गए हैं, फटाफट मैं भी खाना बनाने के आग जला दी मैंने, और अब ले जा रही चावल, फटाफट देखते हैं क्या बनाते दाल चावल, क्योंकि आज तो हम घर रोने तो स्कूल होते हैं, तो ठंडा खाना खाते हैं, वैसे घर आके गर्म कर थोड़ा दाल, तो आज गर्म गर्म खाएंगे खाना, चावल डाल लेती हूँ मैं, और आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊंगी, अभी जब चावल धोऊंगी तो मिलावटी चावल हो रहे हैं आजकल हमारे पहाड़ों में, भी पहले से मिलावटी चावल नहीं आते थे, तो आजकल राशन भी पूरा मिलावटी चावल आने लगे दुकानों में, पता नहीं बाहर से पता नहीं मिलावटी करके चावल भेज रहे, तो आप लोगों को दिखाऊंगी जिस टाइम धोऊंगी तो कैसे चावल है, क्योंकि पहले से नहीं आते थे पहाड़ों में मिलावटी चीज़ कुछ भी, अब सब कुछ मिलावटी आने लग गया है, दिखाऊंगी आप लोग बताना कैसे चावल है, कोई तो कह रहा प्लास्टिक के हैं, कोई कह रहा है कुछ, तो आप लोगों को एक बार दिखाऊंगी जिस टाइम धोऊंगी वो चावल अलग हो जा रहे हैं, फटाफट चावल डाल लेते उसके बाद चलते बाहर के उसको धोने के लिए। तो मैंने चावल सूखे डाल रखे हैं, तो इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन से चावल मिलावटी हैं, कोई कह रहा है प्लास्टिक के हैं तो कौन से नहीं है, पता ही नहीं चल रहा, एक जैसे दिख रहे हैं पूरे, अभी धो के पता चलेगा, तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, ये धोने लगी मैं चावल दिखाती हूँ आप लोगों को हाँ कैसे नहीं करके पूरे मिलावटी चावल हो रहे हैं। देखो जो मिलावटी चावल है ऊपर को आ जा रहे पानी में, तैरने लग रहे हैं चावल, जैसे भी नहीं है पता नहीं क्या है, ये प्लास्टिक की चीज़, और ये यहाँ पे रखे ये चावल, अभी और धोएंगे तो और निकलेंगे, और जो चावल है वो नीचे पानी में डूब जा रहे, अलग अलग होने लग गए, और मिलावटी चावल ऐसे हो रखे हैं दगड़ियों, सब कुछ मिलावटी आने लग गया आजकल पहाड़ों में भी। अभी इसको पूरे धो के दिखाती हूँ, उसके बाद चावलों को मैं फ़र्क देखना आप लोग। तो देखो दगड़े चावल ये धो लिए मैंने, ये चावल ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है, तो प्लास्टिक के हैं, तो आप लोगों को फ़र्क दिख रहा होगा, और धो के मैंने पूरे चावल ऊपर तैरने लग गए हैं, इतने 4-5 पानी धो लिया फिर भी इतने ये हैं मिलावटी चावल, तो ऊपर तैरने लगे, और जो धोए मैंने ये चावल ये साफ है, तो फटाफट इनको भी बना लेती हूँ मैं, और ये चावल देखो मिलावटी है, तो फ़र्क आ रहा है ना, ये चावल है बाज़ार से ऐसे चावल आने लग गए हैं, ये चावल ओरिजिनल पीछे वाले और इधर वाले मिलावटी है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा प्लास्टिक के जैसे चावल हो रहे, तो चखने में भी अजीब जैसा हो रहा है, पूरे गल चुके हैं ये,
तो आप लोगों को भी आपके वहाँ भी ऐसे चावल आते हैं मेरे को बताना, कौन किस किस के गाँव में ऐसे चावल आ रहे पहाड़ों में। चावल बना लेते हैं दगड़ियों में खाना, इसको और धोंगी, तीन चार पानी धो लिया और ये इतने चावल इसमें निकल गए, आधे नीचे गिरा दिए मैंने, तो बकरियाँ भी नहीं खा रही इनको, इतने गंदे चावल है। मिलावटी चीज़ बहुत ज़्यादा आने लग गई है, तो चावल में सब कुछ में मिलावटी चीज़ आने लग गई है, तो फटाफट इनको भी बना लेती हूँ मैं, क्योंकि चावल मैंने कितने पानी धो दिए हैं तो भीग गए हैं, फटाफट भी गीले हो जाएंगे, तो इसको चूल्हे में रख लेती हूँ दगड़े, उसके बाद फिर मिलती है आप लोगों से। हेलो दगड़े, मैंने नहा लिया है बस, अब खाना खाना बाकी और चार्ज भी नहीं है फोन में, तो इससे आगे का ब्लॉग नहीं बनेगा, सीधे शाम को मिलूंगी आप, क्योंकि लाइट भी नहीं है हमारे पास, 5:30 बजे लाइट आ रही है, तो 2% चार्ज है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो हम फटाफट खाना खा लेते हैं, देखते हैं कितने तक चलता है मेरा चार्जर, तो आपसे मिलता है भी थोड़ी देर में। धरो धरो सब पाई लगा, सब धरो, देखो हमारे डुग्गू काव्या और हमारी ज्योति और दीदी जी इनकी लकड़ियाँ रख रही है, और अब हमला लगाया पलटा था वो भोगरी है, तो दिए हाथ पकड़ डुग्गू, तो दीदी जी हमारे अभी लकड़ियाँ तोड़ के आई, काट के आई है, और भारी हो गया था, सीढ़ियों में ले जाने में आफत आ रही, तो इसलिए उन लोगों ने ऊपर आगर में डाला, वहाँ से डुग्गू लोग ज्योति लोग जा रहे हैं लेके। तो दगड़ो लाइट आ चुकी है, 8:30 बजे गई थी सुबह, 8:30 मोटा कह रही मेरे को 10 बजे का याद है, 8:30 बजे भी जितने बजे भी गई थी, तो अभी 6 बजे आ रही है लाइटें, 6 मोट, तो अभी सुबह 8:30 बजे की लाइट गई, तो अभी आई 6 बजे, तो दिन भर लाइट नहीं थी और मेरे फोन में चार्ज भी था, स्विच ऑफ हो रखा था, तो मैंने आज दिन भर का ब्लॉग भी नहीं बनाया, अच्छा भी नहीं बना, खाली थोड़ी देर सुबह बनाया बस हो गया, उसके बाद टाइम भी नहीं हुआ, हुआ मर जाती है अभी, कब से मैं नहीं आ रही थी ब्लॉग, मैंने दौड़ दौड़ के आ रही है। तो सुबह से आज का ब्लॉग अच्छा भी नहीं बना, क्योंकि दिन में बनाया नहीं, फिर टाइम भी टाइम तो था आज, टाइम नहीं हुआ नहीं था, आज संडे था तो टाइम था, बट आज लाइट नहीं थी और फोन में चार्ज भी नहीं था, इस वजह से आज का ब्लॉग अच्छा नहीं बन पाया। तो अभी हम ऊपर गए थे सबाथार के धार में, तो सामान आने आपको वहाँ का ब्लॉग भी दिखा दी, बनाई नहीं, लाइट ही नहीं थी, बहुत स्विच ऑफ था मेरा, इसलिए वजह से आज मैं अच्छा सा ब्लॉग नहीं बना पाई। तो फटाफट कपड़े भी उठा लेते हैं, यहाँ सारे कपड़े मेरे सूख गए हैं, और इधर भी कपड़े उठाते हैं फटाफट दगड़िया, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से, और शाम भी हो गई है और हम लोगों ने लाइट भी जला दी उधर, तो फटाफट काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे।